वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बोर नहीं करते। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि जब हम एग्ज़ाम देते हो 13 डेज़ के बाद रिज़ल्ट आता है, तो काफ़ी मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, जैसे कि यूट्यूब पर कमेंट्स भी आ रहे थे और स्पेशल मेरे को इंस्टाग्राम पर DMs भी आ रहे थे। तो एक स्टूडेंट ने, एक लड़की ने मेरे को बताया कि उसने एग्ज़ाम दिया IELTS का पहली बार और उसका रिज़ल्ट नहीं आया। फिर उसने डिसाइड किया, उसके पेरेंट्स ने, कि उसको सेकेंड अटैम्प्ट दे देना चाहिए, मे बी सेकेंड अटैम्प्ट में तो रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर उन्होंने डिसाइड किया सेकेंड अटैम्प्ट देने का, बट सेकेंड अटैम्प्ट में भी ऐसा रिज़ल्ट दोबारा से नहीं आया। तो ऐसा केस अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे कि रजे, काफ़ी बच्चों का अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, और एक दो बच्चे ऐसे भी थे जिनका मेरे को स्पेशल कमेंट आया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अप्रैल 2021 में एग्ज़ाम दिया था और अभी तक उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो इससे हमें एक चीज़ यही एनालाइज होती है कि हमें जो ओनली सोल्यूशन हमारे पास बचता है वो है रजे IDP। हमें IDP के साथ में हमें कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम उनके कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास यही सोल्यूशन है। और कोई अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और इस पर मैं यही सोल्यूशन दे सकती हूँ कि आप IDP को टाइम टू टाइम उन्हें कस्टमर केयर पर कॉल करते रहिएगा, हेल्पलाइन नंबर पर, वो आपको कोई ना कोई सलूशन इस चीज़ का ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।